हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने दोस्तों 10 रुपीज़ का लोअर सर्किट बनाया, और 10 रुपीज़ का लोअर सर्किट बनाने के बाद जब वो बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया तो दोस्तों अब तक जो है वो स्टॉक 70% का रिटर्न दे चुका है, वो भी विद इन वीक, एक सप्ते के अंदर में दोस्तों 70% का रिटर्न दे चुका है। वो स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने है दोस्तों, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, ठीक है। इसका प्रोडक्ट है क्या है और इस ये जो कंपनी है ये किस चीज़ में इंगेज है, वो भी मैं स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये कंपनी जो इंगेज है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में, ठीक है। ये फास्ट मूविंग गुड्स बनाती है दोस्तों, जो छोटे छोटे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है ये कंपनी। और दोस्तों ये कंपनी का जो प्राइस है बहुत ज्यादा गिर चुका था, अगर मैं इसका 1 मंथ का ही डेटा दिखाता हूँ आप लोगों को तो दोस्तों इसने जो है 15, यहाँ पर देख लो 10 रुपये का ये जो लोअर लेवल है दोस्तों 10-15, तो ये 10 रुपीज़ का लेवल इसने जो है टच कर दिया था, यहाँ पर देख लो 12 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों इसने जो है लोअर लेवल बनाने के बाद जब ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया तो आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये 16.75 रुपीज़ में ये भी ट्रेड करना है। तो अब हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डेली ये जो है 9 या 8% का अपर सर्किट लगाते जा रहा है, तो हमें इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर दोस्तों आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा तो आप लगा सकते हो भाई, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए सबके पास ज़्यादा ज़्यादा पैसे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा करके तो हम लगा सकते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है छोटा स्टॉक है, थोड़ा भी अगर अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रखते हो तो अगर चल गया तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं भी गया तो आपको ज़्यादा हेवी क्वांटिटी नहीं खरीदना, ठीक है, छोटा सा क्वांटिटी खरीद के रखना है अपने पोर्टफोलियो में। और अगर हम इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास 46% के आसपास है, यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन दोस्तों और अदर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले और जो अदर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी के स्टेक खरीदने में दोस्तों, शेयर्स को खरीदने में। यहाँ पर देख लीजिए 16% है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, अदर्स में बताया जा रहा है 21% है। अगर हम देख लेते हैं पब्लिक के पास तो दोस्तों अगर किसी अच्छी कंपनी का शेयर है तो आपको कम से कम दिया जाएगा दोस्तों। ये वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो आपको कम से कम आपको शेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक के पास अगर हम फाइनली देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ आपके पास 12 पॉइंट के आसपास है, ठीक है, 12% के आसपास है ये आपके पास, ठीक ठाक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ज्यादा है, ये हिसाब से अगर देखो तो नॉर्मल है। और अगर हम हिसाब से देखिए दोस्तों चार्ट में, अगर मैं इसका 10 साल का चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, तो दोस्तों ये जो स्टॉक है 75 रुपीज़ को भी टच कर दिया था और उससे भी ऊपर चला गया था, यहाँ पर देख सकते हैं 75 का लेवल को भी दोस्तों इसने जो है ब्रेक कर चुका था। उसके बाद स्टॉक में जब दोस्तों प्राइस इसका गिरना स्टार्ट हुआ तो दोस्तों 75 रुपीज़ का स्टॉक आपको 10 रुपीज़ तक चला गया, और 10 रुपीज़ से दोस्तों अभी ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो फ्यूचर कंज्यूमर को, अगर आपको लगता है दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट है यूजफुल होगा आने वाले फ्यूचर में, चाहे जो भी अगर कंपनी आगे बढ़ती है, तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी खरीद के रख सकते हो। ज़्यादा मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़्यादा आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल आप जो है एक बार खुद से सोच लीजिएगा, अपने एनालिसिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार आपको भी चेक कर लेना चाहिए। दुकानदार तो बोलेगा भाई मेरा प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा है, बगल वाले का तो ये है वो है ऐसे है वैसे है, 10 बात बोलेगा कि बगल वाले का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा। लेकिन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, आप कस्टमर हो, तो आपको डिसाइड करना है कि किसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसका प्रोडक्ट बेटर है, ठीक है। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कंपनी दोस्तों अगर चल गया तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे जाएगी, बाकी आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए एक बार मोतीलाल ओसवाल जी ने, देखिए मोतीलाल ओसवाल का तो आपने बहुत ज़्यादा नाम भी सुना होगा और डीमेट अकाउंट भी आपने सुने होंगे। मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है मल्टीपेगर स्टॉक पे ध्यान देते हैं और कुछ अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक पर भी। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया था कि आपको 40 रुपीज़ के आसपास इसको खरीदना है और ये 56 रुपीज़ तक जाएगा, ठीक है। 40 रुपीज़ का स्टॉक अभी दोस्तों कितने पर मिल रहा है, 10 रुपये पर मिल रहा है, तो अभी हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 30 रुपीज़, ठीक है। 30 रुपीज़ का अगर हम ध्यान से देखें तो 25 रुपीज़ अब है, ठीक है। तो अगर हमें 25 रुपीज़ उसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंट में देखें तो परसेंट में हमें तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, अराउंड 70% के आसपास हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो किसी ऐसी चीज़ को खरीदना जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया हो तो थोड़ा सेफ्टी फील होता है, थोड़ा सेफ्टी फील होता है कि हाँ भाई आने वाले दिनों में अगर कुछ होता है तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिल ही सकता है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 सितंबर में यहाँ पर आपको जो है
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में आपको जो है 45% का इसमें ग्रोथ आते हुए नज़र आ रहा था, और उसके बाद नेट सेल्स में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है 70% के आसपास। लेकिन ये जो चीज़ दिख रहा है आपको दोस्तों, ये इंप्रूवमेंट के तौर पे दिख रहा है। इंप्रूवमेंट का मतलब आप समझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम मान लीजिए कि हमें 100 रुपीज़ का नुकसान हुआ था जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, लेकिन इस टाइम क्या हुआ दोस्तों, जब 100 रुपीज़ नुकसान हुआ तो इस बार क्या हुआ दोस्तों, हमें 50 रुपीज़ नुकसान हुआ। ठीक है, 50 रुपीज़ इस बार हम लॉस में, मतलब कि हमें 50 रुपीज़ कवर कर दिया, हमने 50 रुपीज कवर कर दिया। जो पहले 100 रुपीज डूबता था हमारा, आज के रेट में वो 50 रुपीज डूब रहा। उसी तरह देख लीजिए, ये जो इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है दोस्तों, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में हम बहुत बहुत ज्यादा जो है इसमें नुकसान देखा जा रहा था। नेट सेल्स में तो 6% के आसपास जो है इसमें अनुमान लगाए जा रहे थे कि प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद ठीक है जब क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 45% का अपर सर्किट है। तो जो पहले था उससे हम इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस चले ही ना चले, लेकिन धीरे धीरे आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसके बारे में फुल और देखना चाहते हैं तो आप कुछ खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप और भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।